हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। आई एम निकहत परवीन खान और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आई एम बैक अगेन। सो एग्जाम्स आर नियरिंग डे बाय डे। हर एक दिन आपके लिए एक तरह से काफ़ी स्ट्रेस लेकर आ रहा होगा, काफ़ी टेंशन लेकर आ रहा होगा। डू नॉट पैनिक एनीवेयर। बचे हुए इस वक्त को आप स्ट्रेटेजिकली और स्मार्टली इस्तेमाल करें, क्वालिटी स्टडी करें। ठीक, यू डू नॉट हैव टू डू डोंकी वर्क, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। मेहनत के साथ साथ सही स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन में। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू, क्या पढ़ना है के साथ साथ क्या स्किप करना है और कैसे पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है इन लास्ट मोमेंट्स पे। ठीक है, क्योंकि फाइनली डिसिसिव मोमेंट्स जो होते हैं वही आपके एग्जाम में फेट डिसाइड करते हैं। सो जस्ट पुल अप योर सॉक्स, गिव योर 100% एंड लिव एवरीथिंग ऑन योर डेस्टिनी, एंड फॉर श्योर डेस्टिनी विल हैव समथिंग बेस्ट फॉर यू। So with that, we now today start our FTR session with the question number 1 for modern history. So question number 1 है आपका, पुर्तगालियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। आपको अगेन एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है पुर्तगालियों के ऊपर से है। पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग कुनूर में स्थापित किया था, यह आपका पहला है। दूसरा है, गवर्नर अल्मेडा ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया और गोवा पर अधिकार कर लिया, ये दूसरा स्टेटमेंट। मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों से डचों ने छीना था, तीसरा है। और चौथा है नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी द आंसर? इसका आंसर होगा बी, गवर्नर अल्मेडा ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया और गोवा पर अधिकार कर लिया। सो देखें, ये क्वेश्चन भारत में यूरोपियों का जो आगमन हुआ था बिल्कुल प्रारंभिक काल में आधुनिक के, उस पर से पूछा है। हम सभी जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट ये भी होता है जो हमें एकदम स्टार्टिंग में पढ़ना पड़ता है कि अंग्रेज़ों के अलावा या अंग्रेज़ों से पहले और कौन से यूरोपीय देश थे जो भारत में आए व्यापार के तौर पर, और किस तरह से उन्होंने यहाँ पे साम्राज्य विस्तार किया। वहाँ से हम क्रम से पुर्तगालियों को, फिर उसके बाद डचों को, फिर अंग्रेज़ों को, फिर डैनिश और फिर उसके बाद फ्रांसीसियों को पढ़ते हैं। उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हमें करनी है, उस पर से क्वेश्चंस पूछता है। एक आध क्वेश्चन इसमें से बनता है और उसमें से पोर्टुगीज़ पे से क्वेश्चन पूछा है। और हम सभी जानते हैं पुर्तगाली सन 1498 में वास्को डी गामा मलाबार के तट पर कालीकत पे राजा जमोरिन के दरबार में आया था और वहाँ से पोर्टुगीज़ एंट्री स्टार्ट हुई इंडिया में। उसके 6 साल बाद स्टेट ऑफ इंडिया उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया और अपने वाइसरॉयज इंडिया भेजने लगे। और वो जो पूरा मलाबार तट है से लेकर के ऊपर जो कोंकण तट है, वहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। प्रारंभिक राजधानी उन्होंने कोचिन को बनाई थी। फिर उन्हीं के इस अम्पायर स्प्रेड इन प्रशासन के विस्तार से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इज दैट क्लियर? तो देखिए, इसमें जो पहला स्टेटमेंट है कि पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग कुन्नूर में स्थापित किया है, ये बिल्कुल सही है। पहला जो दुर्ग था इनका वो कोचिन में उन्होंने स्थापित किया, कोचिन इनकी राजधानी थी प्रारंभिक, और पहला जो फोर्ट था उन्होंने कोचिन में स्थापित किया। जो दूसरा फोर्ट था ये उन्होंने कुन्नूर में ही स्थापित किया सन 1505 में, 1505, ठीक है, 1505 में इन्होंने अपना दूसरा दुर्ग कुन्नूर में स्थापित किया, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो तीसरा स्टेटमेंट है, मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों से डचों ने छीना था, ये भी बिल्कुल सही है। ये बात है सन 1641 की, डच भी भारत आ चुके थे और वो तो आप जानते होंगे ना, डच 1602 में इंडिया में आ चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी डचों की इंडिया में आ चुकी थी और कुछ एरिया में उन्होंने भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो डचों ने मलक्का का जो दुर्ग है सन 1641 में पुर्तगालियों से छीन लिया था, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है वो भी सही है। ठीक, और जो बी जिसको हमने आंसर लिया, मतलब जो हम कह रहे हैं कि वो इनकरेक्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है? गवर्नर अल्मेडा ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया और गोवा पर अधिकार कर लिया। ये गलत इसलिए है कि गवर्नर अल्मेडा ने नहीं, गवर्नर अल्बू कर्क ने ऐसा किया था। बात है सन 1510 की, 1510 की, अल्फांसो डी अल्बू कर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है पुर्तगाली वाइसरॉय बन के भारत में आए थे, तो उन्होंने सन 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को छीना और वहाँ पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद के जो नीनो दा कुन्हा, जो उसके बाद के वाइसरॉय थे अल्बुकर्क के बाद के, नीनो दा कुन्हा, उन्होंने फिर गोवा को अपनी राजधानी बनाए थे। कोचिन से गोवा शिफ्ट हो गया कैपिटल इन द रेन ऑफ नीनो दा कुन्हा, लेकिन गोवा पर अधिकार जो किया था वो अल्बुकर्क ने किया था, अल्मेडा ने नहीं किया था। इस वजह से ये वाला जो आपका ऑप्शन बी है वो रॉन्ग है। देयरफॉर आंसर इज बी,
Is that clear? Now let us move on to the next question. Question number 2. So आपका question number 2 है, आपको match the following दिया हुआ है, कुछ रियासतें दी गई हैं और उसके सामने उसके founders के नाम दिए हैं, आपको match करना है कि कौन सा code सही matched है. अवध हैदराबाद, रोहिलखंड और बंगाल, और सामने दिया अली मोहम्मद खान, सादत खान, बुरहान उल मुल्क, निज़ाम उल मुल्क, असफ और मुर्शीद कुली खान. और अगेन आपको कुछ codes दिए हैं और आपको ऑप्शन बताने कि कौन से रियासतों के कौन से founders हैं, मैच करिए. इसका आंसर होगा सी, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का डी. मतलब 1 का होगा सादत खान बुरहानुल मुल्क, 2 का होगा निज़ामुल मुल्क असफ, रोहिलखंड यानी सी का होगा आपका अली मोहम्मद खान, और डी यानी बंगाल का होगा मुर्शीद कुली खान. देखिए तो ये क्वेश्चन कौन से फेज से है, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है. आप सभी जानते हैं कि सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के राजनीतिक समीकरण में अस्थिरता आ चुकी थी. इट वॉज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल. जब अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता स्थापित की 1765 में बक्सर जीतने के बाद, उससे पहले का एक बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल पीरियड था 1707 से 65 के बीच में. तो उस राजनीतिक अस्थिरता का फ़ायदा उठाकर कई स्वतंत्र रियासतें स्थापित हो गई थी, अलग हो गई थी मुग़ल सत्ता से, और उसी फेज से ये क्वेश्चन है. 5-7 इंपॉर्टेंट रियासतें बनी थी, खासतौर पे बंगाल, मैसूर, पंजाब वाले एरिया में, जिनके ऊपर ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये रियासत की स्थापना कब किसने की. मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा. तो उन्हीं में से कुछ रियासतों पर से एक सवाल है, और इन्हीं रियासतों को धीरे 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 कॉन्कर करके अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया. ठीक है, यानी मुग़ल सत्ता के पतन के बाद ये स्वतंत्र रियासतें बनी, तो किसने बनाई आपको पढ़ना है, और फिर किस तरह से धीरे धीरे बाद में आप पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों ने इन रियासतों पर कब्जा किया, कुछ नीतियों के जरिए या कुछ युद्धों के जरिए. तो यहां पर जो ऑप्शंस हैं जो हमने लिया है, जिस वजह से आंसर सी लिया है, उसमें देखो अवध जो है, अवध की जो स्थापना हुई थी ये 1722 में हुई थी, 1722 में हुई थी. मीर मोहम्मद अमीन सादत खान, मीर मोहम्मद अमीन सादत खान इन्होंने अवध की स्थापना 1722 में की थी, और इन्हीं को कहा जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना बुरहानुल मुल्क इन्हीं का नाम है एक्चुअली. ठीक है, तो इन्होंने की. फिर दूसरा इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हैदराबाद, है ना. तो देखिए भाई, हैदराबाद की जो स्थापना है ये बहुत फेमस है रियासत, 1724 में निज़ामुल मुल्क ने की. जब निज़ामुल मुल्क का जो ओरिजिनल नाम था वो था मीर कमरुद्दीन चिन कुलिच खान. मीर कमरुद्दीन चिन कुलिच खान यानी कि निज़ामुल मुल्क ने 1724 में हैदराबाद जो रियासत थी, हैदराबाद, उसकी स्थापना की. ठीक है, फिर जो तीसरी रियासत है वो है रोहिलखंड. इसकी स्थापना सन 1719 में की थी किसने, जैसे कि सामने जो मैच किया हुआ है ना वो है कौन, अली मोहम्मद खान. और चौथा जो है वो है बंगाल. ठीक, बंगाल एक अगेन बहुत ही फेमस प्रांत है, इसकी हिस्ट्री आप पढ़ते ही अलग से. 1713 में मुर्शिद कुली खान. तो अवध, हैदराबाद, रोहिलखंड और बंगाल, वर्ष भी कोशिश करें याद रखें, और इसके फाउंडर्स के नाम आप या यहाँ याद रखने की कोशिश करिए. इसके अलावा कुछ और प्रांत भी आपके लिस्ट में रहते हैं, उन्हें भी कोशिश करिए कि ईयर और फाउंडर्स के नाम याद रखें. तो इस हिसाब से जो हमने मैच किया है उसके हिसाब से कोड होगा सी, और इसका करेक्ट आंसर वही है. Is that clear? Now let us move on to the next question, question number 3. So question number 3 है, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के संबंध में कौन से तथ्य सही हैं? आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है. त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस 1939, और आपके स्टेटमेंट्स दिए, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु समर्थन दिया था, अध्यक्षीय पद के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी. 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और कोड दिए हैं 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3 और 2, 3, 4. आपको बताना है कौन सा कोड उन स्टेटमेंट्स को बताता है, कौन सा कोड जो सही है इस अधिवेशन से संबंधित. इसका आंसर होगा डी, 2, 3, 4. मतलब जो पहला स्टेटमेंट है ना कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु समर्थन दिया था, ये गलत है.
बाकी के जो तीन स्टेटमेंट हैं ये सही हैं। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन कांग्रेस के अधिवेशनों से पूछा है। जब आप कांग्रेस की स्थापना पढ़ते हैं तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कांग्रेस के अधिवेशन। सन 1885 से लेकर 1947 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस हुए हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल्स आपको पढ़नी चाहिए। और इस पर्टिकुलर गांधीयन फेज में तो 1920 से लेकर 1947 तक जो अधिवेशन हुए हैं उनकी थोड़ी डिटेल ज़्यादा करें। मतलब नॉर्मल जो अधिवेशन है उसमें आप ये पढ़ें कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन था और उसकी विशेषता क्या थी। लेकिन 1920 से 47 तक के जो कांग्रेस के अधिवेशन है उनमें इन चार डिटेल्स के अलावा भी उसके पीछे की थोड़ी बहुत कहानी आपको पढ़नी रहती है। तो बात ऐसी है कि 1939 में त्रिपुरी जबलपुर में ये अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था और उस वक्त अध्यक्ष पद के लिए सबसे मेन जो पसंद थी पहली वो लोगों की थी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसके जस्ट पहले जो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें भी अध्यक्षता की थी और गांधी जी ने इसी वजह से आपत्ति जताई और उन्होंने कहा क्योंकि पिछले ही अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे इस वजह से कंसिक्वेंटली दूसरे साल सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष नहीं बन सकते और उन्होंने इसका विरोध किया था। तो जो पहला स्टेटमेंट बोलता है ना कि गांधी जी ने सपोर्ट किया था अध्यक्षता का, इसलिए ये गलत है क्योंकि गांधी जी ने विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता का, क्योंकि उन्होंने कहा था पिछले साल भी ये बने थे और कंसिक्वेंटली कोई भी इंसान दो बार अध्यक्ष नहीं बन सकता। ठीक है, तो हुआ ऐसा कि फिर फाइनली सुभाष चंद्र बोस के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कहा कि भाई पहले भी जवाहरलाल नेहरू लगातार तीन जो अधिवेशन है उसमें अध्यक्ष बने थे तो इस बार भी ये मौका सुभाष चंद्र बोस को मिलना चाहिए। इस बात पर गांधी खेमा और सुभाष चंद्र बोस के खेमे में थोड़ा विवाद हुआ और फाइनली बात ये हुई कि चुनाव करवाया जाए अध्यक्ष पद से। और अध्यक्ष पद के लिए जब चुनाव हुआ तो गांधी जी के तरफ से पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया गया। ठीक है, गांधी जी खुद नहीं खड़े हुए, पट्टाभी सीतारमैया को उन्होंने अपनी तरफ से खड़ा किया और उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे सुभाष चंद्र बोस। फाइनली जब ये इलेक्शन हुआ अध्यक्ष पद के लिए तो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। ठीक, और वो इलेक्शन जीत के अध्यक्ष बन गए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि इस पूरे अधिवेशन के दौरान गांधी जी और बोस के बीच में विवाद होता गया। बोस के द्वारा लाए गए रेजोल्यूशंस को गांधी जी हमेशा ऑब्जेक्ट किया करते थे, कुछ ना कुछ उसमें अतार्किक बताया करते थे और विवाद बढ़ता गया और उसमें फ्रस्ट्रेशन में आकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और उनके इस्तीफा देने के बाद, ठीक है, वो पहले वहाँ से अलग हो गए 1939 में इस्तीफा देके और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना दी फिर जाकर 1939 में। और यहाँ पे जो अधिवेशन था क्योंकि उसके अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया तो वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं बाकी के टाइम के लिए अध्यक्ष बन गए। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस भी थे फिर उनके इस्तीफे के बाद उसके अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बोस और गांधी जी के बीच के जो विवाद था इस वजह से त्रिपुरी अधिवेशन काफ़ी फेमस हुआ, काफ़ी पॉपुलर हुआ और उसी पर से सवाल आया है। तो पहला तो स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ वो मैंने आपको बता दी, गांधी जी ने अपोज किया था, सपोर्ट नहीं किया था। दूसरा स्टेटमेंट सही इसलिए है क्योंकि इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता था, अभी जैसे मैंने बताया पट्टाभी को हराकर सुभाष चंद्र बोस जीते थे। सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन किया था, बिल्कुल सही, आखिरी में उन्होंने गांधी जी से विवाद बढ़ने की वजह से रिज़ाइन कर दिया था और उनके रिज़ाइन करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बाकी के समय बनाए गए, इसलिए भी स्टेटमेंट सही है। तो 234 ऑप्शन डी जो है 234 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इज दैट क्लियर? सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 1928 में भारतीय संविधान का खाका तैयार करने हेतु बनी समिति के सदस्य कौन नहीं थे? कौन नहीं थे बताना है आपको, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, शुएब कुरैशी और मौलाना शौकत अली। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा डी, मौलाना शौकत अली। सो ये क्वेश्चन 1928 में चल रही एक राजनीतिक घटनाक्रम से रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं कि 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया और 1928 में वो भारत आया। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इस वजह से साइमन कमीशन का पूरे देश में विरोध हुआ। तो जब हम साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे इस कारण से क्योंकि उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, तो अंग्रेज़ों ने हमें चैलेंज किया कि भाई आप खुद एक समिति बनाइए और जो साइमन कमीशन करने आया है संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश देने आया है, आप खुद एक समिति बना करके वो सिफारिशों को हमें दीजिए, हम आपकी भी बात सुनेंगे, हम उनकी भी बात सुनेंगे। तो अंग्रेज़ों द्वारा चैलेंज करने के बाद सन 1928 में कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ठीक, और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की जिसे हम नेहरू रिपोर्ट है, मतलब नॉर्मली हम इसे क्या कहते हैं, 1928 की नेहरू रिपोर्ट,
जिसमें उन्होंने फ्यूचर में हमारे कैसा संविधान होना चाहिए, क्या कुछ रूल रेगुलेशन होने चाहिए, उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी। तो एक जाहिर सी बात एक संगठन बनाया गया था जिन्होंने ये पूरा सर्वे करके एक रिपोर्ट तैयार की, और इसके अध्यक्ष तो मोतीलाल नेहरू थे पर इसमें कुछ और सदस्य थे, और कुछ और सदस्यों में से जो तीन नाम है वो इसी में फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में दिए हैं, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू और शोएब कुरैशी। ठीक है, वो जो पूरी टीम थी जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट डिज़ाइन की थी उसमें ये तीनों थे, मौलाना शौकत अली नहीं थे। ठीक है, याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट हमें जो चैलेंज किया था साइमन कमीशन के अगेंस्ट में, उस वजह से मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी, जिसमें उनका जो मेन डिमांड थी वो थी भारत के लिए अपने वैश्विक स्वराज को मांगना। हालांकि उन्होंने बहुत सारी और मांगे रखी थी, जैसे भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया जाए, ये भी कहा था कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाई जाए, भारत में मौलिक अधिकार दिए जाएँ, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को हटा दिया जाए। ये बहुत सारी उनके पॉइंट्स थे नेहरू रिपोर्ट पर मेन थी कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। ठीक, तो इसी नेहरू रिपोर्ट से ये सवाल है और पूछा है कि इनकी टीम में कौन नहीं था। तो सुभाष चंद्र बोस थे, जब तेज बहादुर सप्रू शोएब कुरैशी थे, मौलाना शौकत अली नहीं थे। ठीक है, इसलिए आंसर होगा डी। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रांतिकारी खुदीराम बोस से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। अगेन आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी असत्य कथन पहचानना है। खुदीराम बोस से संबंधित है, ये सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है। सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर इन्होंने बॉम्ब फेंका था। 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दी गई थी, और आखिरी स्टेटमेंट है 11 अगस्त 1901 को फांसी दी गई थी। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो, आपको समझ में आ रहा होगा इट इज़ ईदर सी और डी, क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। एक कहता है 1908 को, तो एक कहता है 1901 को, तो जाहिर से बात है इन्हीं में से कोई सा एक इनकरेक्ट होगा, है ना। तो इसका आंसर होगा डी, 11 अगस्त 1901 को फांसी दी गई थी, क्योंकि सही ये है कि 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो आंसर डी होगा। तो देखिए, उग्रवादी जो चरण चल रहा था भारत में कांग्रेसी उग्रवादी विचारधारा के तहत सन 1905 से 1916 के बीच में, उस दौरान भारत के अंदर बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी। उन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों में से एक सन 1908 की एक्टिविटी है, जिसमें दो क्रांतिकारी, एक तो खुदीराम बोस और दूसरे प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के सेशन जज किंग्सफोर्ड पर बॉम्ब फेंका था। लेकिन इसमें दुर्भाग्यवश हुआ ऐसे कि किंग्सफोर्ड तो बच गए, और हमारे भारतीय आंदोलनों के एक अंग्रेज समर्थक मिस्टर कैनेडी के परिवार वालों को नुकसान पहुंचा। तो ये जो चीज़ थी ये एक तरह का मिसफायर था आप कह सकते हैं, जिसमें हम किसी और को टारगेट कर रहे थे पर हानि हमारे ही एक समर्थक को पहुंच गई। इसके बाद हुआ ऐसा कि जो प्रफुल्ल चाकी हैं उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुदकुशी कर ली, और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें फांसी दे दी गई, जैसे कि आप इसमें तारीख मेंशन दे सकते हैं 11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी दे दी गई, और उस वक्त इनकी एज महज 18 साल थी। ही वॉज ओनली 18 ईयर्स ऑफ एज एट दैट टाइम। उसके बाद हुआ ऐसा कि पुलिस ने मणिकतल्ला पर छापा मार के 34 लोगों को गिरफ्तार किया, और फिर इस पूरे षड्यंत्र से रिलेटेड एक केस बना जिसे हम अलीपुर षड्यंत्र केस कहते हैं। सो इंटायर केस इज़ नोन एज अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, बाद में अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बाकी अभियुक्तों पर चलाया गया, और प्रफुल्ल चाकी ने खुदकुशी कर ली थी और इन्हें जो है फांसी दे दी गई 11 अगस्त 1908। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट था जो एक उग्रवादी फेस का मैंने आपको बताया। उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि भाई पहला वाला जो है कि ये यंगेस्ट रिवोल्यूशनरी थे, बिल्कुल सही, 18 साल की उम्र में महज इन्हें फांसी दे दी गई थी, इसलिए ये फैक्ट सही। इन्होंने किंग्सफोर्ड पर बॉम्ब फेंका था, बिल्कुल सही। 1908 में इन्हें फांसी हुई, बिल्कुल सही। 1901 में नहीं हुई थी, इसलिए असत्य कथन डी होगा। ठीक, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन गदर पार्टी की स्थापना से संबंधित व्यक्ति नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन रिलेटेड नहीं है गदर पार्टी, गदर मूवमेंट से। लाला हरदयाल, सोहन सिंह, बरकतुल्ला खान या गुरुदत्त सिंह। इजी क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है।
इसका आंसर होगा डी, गुरुदत्त सिंह। बाकी तीन लाला हरदयाल, सोहन सिंह और बरकतुल्ला खान, ये तीनों रिलेटेड हैं। तो देखिए, अभी अभी मैंने जिस क्वेश्चन का इसके पहले जिक्र किया कि कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उग्रवादी चरण में, तो उसमें ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी कुछ क्रांतिकारी संगठन बने थे, और उन्हीं में से एक बहुत ही फेमस जो आंदोलन हुआ या संगठन बना सन 1913 में बना, जिसे हम गदर पार्टी के नाम से जानते हैं, ये गदर आंदोलन। कहाँ पर यह बना था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। तो सन 1913 में गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। और एक्चुअली ये जो पार्टी थी ना, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका नाम से सोहन सिंह भाकना ने बनाई थी। सोहन सिंह भाकना, ठीक है। तो सोहन सिंह भाकना ने क्या है ना, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका नाम से ये पार्टी बनाई थी, और इन लोगों ने गदर नाम की एक मैगजीन रिलीज़ की। चार भाषाओं में वो होती थी, रिलीज़ होती थी। एक इंग्लिश हुआ करती थी, एक उर्दू हुआ करती थी, एक पंजाबी और एक मराठी। और ये जो पर्टिकुलर मैगजीन है, गदर या हिंदुस्तान नाम की मैगजीन थी, इसमें ज़्यादातर जो कंटेंट हुआ करता था 1857 की क्रांति की व्याख्या हुआ करती थी, उनकी ब्रेवरी की तारीफ हुआ करती थी, लोगों में नेशनलिस्ट फर्वर, राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए 57 की क्रांति को एग्जाम्पल लिया करता था इसमें। तो इस तरह से गदर पार्टी जो है, या गदर मैगजीन जो है आप कह सकते हैं, वो काफ़ी पॉपुलर हुई। बाद में वो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का ही नाम जो है वो गदर पार्टी बन गया, उस गदर मैगजीन की वजह से। इसी में फिर बाद में आकर जुड़े स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर लाला हरदयाल, बरकतुल्ला खान, और ये सारे के सारे, सोहन सिंह भाकना, बरकतुल्ला खान और लाला हरदयाल, ये तीनों ही गदर मूवमेंट के फाउंडर्स कहलाते हैं। इसमें जो चौथा नाम है ना, गुरुदत्त सिंह, ये इससे रिलेटेड नहीं। आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, पर आपने इनका नाम 1914 के कामागाटा मारू प्रकरण से सुना होगा। उसका उल्लेख अभी डिटेल में नहीं कर रही हूं, पर गुरुदत्त सिंह उससे रिलेटेड हैं, इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सो इसका आंसर होगा डी, गुरुदत्त सिंह, ही इज नॉट एसोसिएटेड विद गदर मूवमेंट, रेस्ट वी आर। इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, येट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट एंड फेमस, सॉरी। तो 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्न सूचियां कौन सी सुमेलित नहीं है पूछा है, कौन सी मैच नहीं है। 57 की क्रांति के कुछ इंपॉर्टेंट स्थान या केंद्र दिए गए हैं, और सामने उन क्रांतियों को उन जगहों पर सप्रेस करने वाले दमनकर्ता अंग्रेजी ऑफिसर्स के नाम दिए गए हैं, और बताना है आपको कि कौन सा सही मैच नहीं है। जगदीशपुर के आगे टेलर एवं आयर, कानपुर के आगे कैम्पवेल, दिल्ली व्हीलर, झांसी ह्यूरोज। आपको बताना है कि इसमें से किस केंद्र के सामने जो दमनकर्ता ऑफिसर का नाम है वो गलत लिखा हुआ है। इसका आंसर होगा सी, दिल्ली व्हीलर। सो देखिए, 1857 ऐसा एक टॉपिक है, 1857 की क्रांति, जो कभी ओल्ड नहीं होता, या मैं कहूँ कभी आउटडेटेड नहीं होता। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में, मेंस में, किसी भी तरीके के बनते ही हैं। और एक बहुत फेमस पार्ट 57 की क्रांति का है कि इसके मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, वहाँ से कौन कौन लीडर्स ने क्रांति को वहाँ पे अंजाम दिया, और उस क्रांति को उस जगह पे किस अंग्रेज अफसर ने सप्रेस किया, वहाँ पे दमन किस अंग्रेज अफसर ने वहाँ पे उस क्रांति का किया। ये एक फैक्चुअल पार्ट है 57 की क्रांति का, जिसे पूछा ही जाता है अक्सर अलग अलग तरीकों से, तो उसी पर से ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो जगदीशपुर के सामने लिखा है टेलर एवं आयर, बिल्कुल सही। जगदीशपुर में मेन जो लीडर थे कुंवर सिंह, और वहाँ के जो दमनकर्ता ऑफिसर थे वो थे टेलर एवं आयर। कानपुर, नाना साहेब ने लीड किया था कानपुर से, और वहाँ पे कैम्पबेल ने ही इसे सप्रेस किया था। झांसी, सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई मेन लीडर थी झांसी से 57 की क्रांति में, और ह्यूरोज जो थे जिन उन्होंने यहाँ पे सप्रेस किया था। पर ये जो ऑप्शन हमने लिया है ना, दिल्ली, दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान, इन्होंने लीड किया था क्रांति को, और इस क्रांति को वहाँ पे दबाया था जॉन निकल्सन ने, जॉन निकल्सन, ठीक है। ये वो अंग्रेजी अफसर थे जिन्होंने वहाँ पे क्रांति को सप्रेस किया था, ना कि व्हीलर। इसलिए जो नॉट करेक्ट है, मतलब जो अनकरेक्टली मैच है, वो है दिल्ली का व्हीलर। इज इट क्लियर? ईजी पार्ट है बट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कहा ना, कभी आउटडेटेड टॉपिक नहीं होता है, आपको कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन से ज़रूर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, क्वेश्चन नंबर 8। सो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज द्वारा कौन से दमनकारी कार्य किए गए थे? आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया, मार्शल लॉ लागू किया गया, और आपकी कुछ कूट दिए गए हैं, एक और दो, एक और तीन, दो और तीन, और इनमें से कोई नहीं।
आपको क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा और उसमें पूछा है कि इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज़ों ने इनमें से कौन से एक्शंस लिए थे। ठीक है, तीन स्टेटमेंट्स और आपको बताना है कौन से लिए थे। तो इसका आंसर होगा ए, एक और दो, मतलब इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े थे और लाठी चार्ज किया था बट मार्शल लॉ लागू नहीं किया था। देखिए, एक बहुत ही फेमस मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। मैं इसमें कम से कम बोलूँ तो 50 क्वेश्चन तो अकेले इस मूवमेंट से बन सकते हैं। ठीक, बहुत सारे और क्वेश्चंस पिक हो सकते हैं और मे बी प्रोबेबली अगर आगे हम चीज़ें बढ़ेंगे और तो और क्वेश्चंस मैं इसमें से लूँगी। बहरहाल बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन बहुत से क्वेश्चंस बहुत फेमस भी हैं इसमें से। तो भाई 1942 का गांधी जी का आखिरी और सबसे बड़ा जन आंदोलन, जिसे हम वर्धा प्रस्ताव के नाम से, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, वो है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। और उस पर से क्वेश्चन पूछा है कि इस आंदोलन में दमनकारी नीतियों में से क्या किया गया था, क्या नहीं किया गया था। तो पहली बात तो याद रखें कि डिस्पाइट द फैक्ट कि ये भारत छोड़ो आंदोलन एक अहिंसात्मक आंदोलन था, जाहिर सी बात है जब गांधी जी का एक आंदोलन है तो उसमें नॉन वायलेंस एक एलिमेंट तो होगा, लेकिन ये पूरी तरह से एक पैसिफिस्ट यानी शांति प्रिय आंदोलन नहीं था, शांतिवर्धक आंदोलन नहीं था। क्यों? क्योंकि ऐसा था कि इस भारत छोड़ आंदोलन के दौरान कई दफ़े गांधी जी की विचारधारा पे आंदोलन चल तो रहा था लेकिन कई दफ़े जो भीड़ है वो उग्र हो जाया करती थी, कहीं पर कहीं आगजनी हो गई, कहीं पे कोई तोड़फोड़ हो गई। आज आप जैसे जिस तरह की रैलियां या प्रदर्शन देखते हैं जिसमें पीसफुल पर्पस से चीज़ें निकाली तो जाती हैं लेकिन कुछ उत्तेजक भाषणबाजियाँ हो जाना या तोड़फोड़ हो जाना या आगजनी हो जाना, इस तरह की गतिविधियाँ भारत छोड़ आंदोलन में हो रही थी जो पहले के गांधीयन आंदोलन में आपको उतनी देखने को नहीं मिलती। लेकिन क्योंकि चौरी चौरा कांड के बाद अपने निर्णय की वजह से गांधी जी को कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आई थी, इस वजह से उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त नहीं किया। याद रखना ना, भारत छोड़ आंदोलन भले ही गांधीयन मूवमेंट है लेकिन पूरी तरह से पैसिफिस्ट यानी शांति से भरा हुआ एक आंदोलन नहीं था, थोड़ा बहुत इसमें हिंसात्मक गतिविधियां हो रही थी। और जाहिर सी बात है जब इस तरह के आंदोलन वगैरह होते हैं और थोड़ा बहुत वायलेंस होता है तो अंग्रेज़ जो हैं या रूलर जो हैं वो किसी तरह से इन्हें कंट्रोल करने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। तो बल के प्रयोग में भाई आंसू गैस का गोला भी छोड़ा गया रैलियों को रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, लाठी चार्ज भी किए गए कई जगह पर सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं थी कि मार्शल लॉ लगे। मार्शल लॉ लगे ना सैन्य कानून, मार्शल लॉ तब एक्सट्रीम सिचुएशन में लगाया जाता है जब पुलिस जो है वो व्यवस्था को संभाल नहीं पाती, तो मिलिट्री के हवाले यानी आर्मी के हवाले कर दिया जाता है कि भई वो जो शांति आपको स्थापित करना है उसके लिए मिलिट्री को दायित्व सौंप दिया जाता है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करिए। तो मार्शल लॉ एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में लगाया जाता है जब पुलिस हैंडल नहीं कर पाती, पर यहाँ पर मार्शल लॉ नहीं लगाया गया था, पुलिस ने ही अंग्रेज़ों की तरफ से पूरी सिचुएशन हैंडल की थी, इसलिए मार्शल लॉ लागू किया गया, ये गलत है। लेकिन आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज किया गया ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आई रिपीट, देर आर मेनी मोर क्वेश्चन से बनेंगे और हो सकता है फ्यूचर में हम और क्वेश्चंस लें, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस की मांग थी, इनमें से कौन सी मांगे थी कांग्रेस की स्थापना के बाद प्रारंभिक तौर पर? सिविल सेवा में प्रवेश, सिविल सेवा परीक्षा आयोजन ब्रिटेन और भारत दोनों स्थानों पर किया जाए, भारत को शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाए। ये तीन डिमांड स्टेटमेंट के तौर पर दी गई और सवाल पूछने का मकसद क्या समझना, 85 में जब बनी कांग्रेस तो फौरी तौर पर उसी टाइम पर क्या इनकी मेन डिमांड्स थी। ठीक है, और ये तीन स्टेटमेंट दिए गए और ऑप्शंस हैं 1, 1 और 2, 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, 1 और 2। मतलब इनकी डिमांड में शामिल था कि सिविल सेवा में प्रवेश दिया जाए भारतीयों को और सिविल सेवा परीक्षा आयोजन ब्रिटेन और भारत दोनों स्थानों पर किया जाए। लेकिन जो थर्ड वाला जो आपका स्टेटमेंट है कि भारत को शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाए, ये गलत है। तो देखिए भाई, स्टार्टिंग में 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, ये वहाँ से एक क्वेश्चन बनाया गया है। कांग्रेस को जो फाउंड किया गया था, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसे बहुत सारे सवाल बनते हैं कि कौन किसने मेन डिज़ाइन किया था, उस वक्त तात्कालिक वायसराय कौन थे। ठीक है, कितने लोगों ने कांग्रेस की स्थापना की, कहाँ इसकी पहली मीटिंग हुई, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, एंड सो ऑन। कांग्रेस के बारे में विचारधाराएं क्या थी, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी इतना फेमस पार्ट है कि मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन में जाना चाहिए, पर इतना ज़रूर याद रखिए कि 28 दिसंबर 1885 को जो कांग्रेस की स्थापना हुई उसके 72 जो सदस्य थे उसमें ज़्यादातर उदारवादी थे, उदारवादी विचारधारा के पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग, और उन लोगों ने जो बल दिया था अपनी प्रारंभिक मांगों पर वो कहीं ना कहीं
मिडिल क्लास वर्ग के हितों को देख करके अपने विचारों को उन्होंने रखा था या मांगों को उन्होंने रखा था। ठीक, अब ऐसा था ना कि आप जानते हैं ना कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे लिट्टन की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी, जिसमें सिविल सर्वेंट्स की जो एज है उसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ऐसी बहुत सारे वजह थे। तो उन चीज़ों को इन्होंने अपने डिमांड में शामिल किया था। इन्होंने डिमांड रखी थी कि एक लोक सेवा आयोग बनाया जाए, ठीक है, उसमें इंडियंस को प्रवेश दिया जाए। तो 1886 में उदारवादियों की मांगों को पूरा भी किया गया, और साथ ही साथ इनकी ये मांग भी थी कि इंडिया और इंग्लैंड दोनों में ही आप दोनों ही जगह पर एक साथ आप परीक्षा आयोजन करवाइए, और इस बात को भी ये मान लिए थे। तो ये तो कहीं ना कहीं ये लोग वो सिविल सर्विसेज में हुए कुछ रिफॉर्म से आहत थे, तो उन्होंने अपनी मांगों में इसे रखा था। लेकिन याद रखिए, ये तो मांग थी ही और ये अचीव भी किया उदारवादियों ने। शुरुआती अचीवमेंट में ये जो था ना कि इंडिया और इंग्लैंड दोनों ही जगह एक साथ परीक्षा होगी सिविल सर्विसेज की, ये बात मान ली गई। साथ ही साथ 1887 में एक भारतीय सुधार समिति बनाई गई दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, उन्होंने भी कुछ सिफारिशें की, कुछ मांगे रखी, उसे भी मान लिया गया। भारतीय व्यय में कुछ समीक्षा करने के लिए वेल्वी आयोग की बात हो रही थी, उसे भी मान्यता दे दी। वेल्वी आयोग बनाया गया ताकि इंडिया में जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है गलत, उस पर एक तरह का लगाम कसी जा सके। ये उदारवादियों के अचीवमेंट जो तीन चार हम गिनते हैं, उनमें ये तीन चार चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये मांग थी इनकी कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स हो, जिसमें इंडिया और इंग्लैंड दोनों ही जगह सिविल सर्विसेज एक साथ हो। तो ये तो सही है, इस वजह से फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि हमने प्रारंभिक तौर पर पूर्णतः आज़ादी की मांग नहीं रखी थी। धीरे 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 हम संवैधानिक सुधारों की बात कर रहे थे, अपने अधिकारों की मांगों की बात कर रहे थे। फिर धीरे से 1905 में जाके हमने, या 1906 में जाके हमने पहली बार स्वराज की बात की, ठीक है, फिर स्वराज मांगा, फिर हमने बाद में जाकर औपनिवेशिक स्वराज मांगा, फिर 1929 में लाहौर में जाकर हमने लाहौर अधिवेशन के जरिए पूर्ण स्वराज की मांग रखी। तो एकदम तात्कालिक तौर पर कांग्रेस की स्थापना होते ही हमने पूर्ण स्वराज की मांग रखी, ऐसा नहीं है। इस वजह से जो थर्ड स्टेटमेंट है कि भारत को शीघ्र ही स्वतंत्र कर दिया जाए, ये गलत आता है। बाकी दोनों सही हैं, ठीक है। इस वजह से आपको ऑप्शन बी 1 और 2 सही है, थर्ड गलत। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, वोकलिंग संघ क्या है? वोकलिंग कम्युनिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, आई विल स्पेल इट आउट इन इंग्लिश इफ इट इज नॉट विजिबल। वोकलिग, VOKLIGA, वोकलिग कम्युनिटी क्या है, तो संघ क्या है पूछा है क्वेश्चन। और आपके ऑप्शंस में है ब्राह्मण विरोधी आंदोलन, अंग्रेज विरोधी आंदोलन, जमींदारी विरोधी आंदोलन और पाश्चात्य शिक्षा विरोधी आंदोलन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन। तो देखिए, बहुत सारे जो सोशल मूवमेंट्स चल रहे थे ना, समाज से संबंधित जो मूवमेंट्स चल रहे थे, जैसे ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, या फिर आर्य समाज, या धर्म सभा, इसी दौरान का ये एक टॉपिक है जो आपको पढ़ना रहता है। थोड़ा सा डार्क साइड का ये क्वेश्चन है। ये वोकलिंग संघ जो है, वोकलिंग एक्चुअली में अर्स्टवाइल मैसूर का एक बहुत बड़ा संप्रदाय है जो कृषि आधारित है। एक कम्युनिटी है जिसका नाम है वोकलिंग। कुछ लोग हैं जो मैसूर में रहा करते थे, जो कृषि प्रधान। वोक्कू वर्ड एक्चुअली क्या होता है? वोक्कू का मतलब टू थ्रैश द ग्रेन्स आउट ऑफ जो क्रॉप्स, मतलब जो धान निकालने वाली कम्युनिटी होती है ना मैसूर की, तो उनका नाम था वोकलिंग, और वोक्कू वर्ड से उनका नाम आया है। तो ऐसा है कि जो मैसूर रियासत थी वहाँ पर सबसे बड़ा संप्रदाय अगर कोई था तो वो वोकलिंग संप्रदाय था। लेकिन धीरे 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 ऐसा हुआ कि ये लोग पहले कुछ पॉलिटिकल पावर रखते थे, लेकिन धीरे धीरे मैसूर रियासत में दूसरे जो आधिपत्य होने लगे वहाँ के राजाओं के, ब्राह्मणों के, ठीक है, नवाबों के, तो धीरे 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 इनके पॉलिटिकल राइट्स जाने लगे। तो इंडिया 1906 में अपने संप्रदाय को पुनर्जीवित करने के लिए ब्राह्मणों के खिलाफ इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था जिसका नाम था वोकलिंग संघ। एक संघ बनाया गया जिसका नाम था वोकलिंग संघ। ठीक, वहाँ के जो उस वक्त के तात्कालिक दीवान ऑफ मैसूर थे VP माधवराव, उनके पैट्रोनेज में ये संघ बनाया गया 1906 में, जिन्होंने ब्राह्मण विरोधी एक आंदोलन छेड़ा, क्योंकि ये जो संप्रदाय था वो सबसे बड़ा संप्रदाय था वहाँ पर। तो अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए, एजुकेशन के लिए इन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी। तो एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। अभी का आप जो कर्नाटका वाला रीजन देखते हो वहां पर, उस टाइम का मैसूर, तो ये संघ 1906 में बैंगलोर में बना था, याद ना, ठीक है, याद रखिएगा कि 1906 में ये बैंगलोर में बना था। ठीक, और टी बायन्ना इसके पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और जो मैंने कहा ना, जो दीवान जिन्होंने इसको प्रमोट किया था, एनकरेज किया था, उनका नाम था VP
माधवाराम, ये दीवान ऑफ मैसूर थे जिनके एनकरेजमेंट से 1906 में ये बना वो कलिंग संघ। एक एंटी ब्राह्मण एक रिजीम थी ये, और अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए ये उस वक्त बना था। इज दैट क्लियर? तो ये जो आप धार्मिक सुधार सामाजिक सुधार मूवमेंट्स पढ़ते हैं उन्हीं में से ये टॉपिक से ये क्वेश्चन उठा है। इज दैट क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा ए, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन। ठीक, विद दैट नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी दिए गए हैं और इसके बारे में आपको ये स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा ट्रू है, ट्रू बताना है ना। इसकी स्थापना 1908 में की गई। दूसरा है आपका संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरा है 1915 में हितवाद का प्रकाशन किया गया। और चौथा है नन ऑफ दीज, मतलब आपको ट्रू स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है इन तीनों में, एक तो नन ऑफ दीज है। तो क्या होगा इसका आंसर? इट्स आंसर विल बी बी, इसके फाउंडर है गोपाल कृष्ण गोखले। वेरी मतलब प्रडिक्टेबल ये क्वेश्चन था क्योंकि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही हैं। बाकी चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान दें कि बाकी गलत क्यों हैं। ठीक है, ये तो सही है कि चलो गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक हैं, बाकी गलत क्यों है? तो देखिए भाई, ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है सन 1905 में बनी थी, 1905 में बनी थी, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी। इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी छोड़ने के बाद इस संस्था की स्थापना की थी। एक्चुअली इस संस्था को बनाने के लिए ही इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी छोड़ी थी, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशनिस्ट को इन्होंने अपने साथ में रखा था। और ये संस्था याद रखिएगा पुणे महाराष्ट्र में बनी थी, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, और इनका जो मेन एक्टिविटी हुआ करती थी वो था प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ एंड एलिमिनेशन ऑफ सोशल इविल्स लाइक अनटचेबिलिटी एंड ऑल। ठीक है, मतलब कि शिक्षा स्वास्थ्य से रिलेटेड ये लोग कैंपेन्स किया करते थे, जागरूकता से संबंधित लोगों में अस्पृश्यता के अंत के लिए जागरूकता फैलाते थे, साथ ही साथ फीमेल एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इन लोग बॉयकॉट करते थे, मतलब कि जातिवाद जो होता था उसके खिलाफ ये लोग अभियान छेड़ते थे। तो एक तरह की समाज सुधारक संस्था थी जो मेनली हेल्थ हाइजीन और शिक्षा की ओर केंद्रित थी, फोकस थी। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में से बनाया था। इनका एक पब्लिकेशन था जिसका नाम था हितवाद। ये हितवाद जो है इन्होंने सन 1911 में नागपुर से रिलीज करना स्टार्ट किया। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जितनी विचारधारा थी वो हितवाद पब्लिकेशन में आपको मिलेगी। 1911 से नागपुर से रिलीज होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की, और उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट है। और आप समझ चुके होंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले वाले ऑप्शन के अलावा बाकी के रॉन्ग क्यों हैं। पहला दिया ना कि इसकी स्थापना 1908 में हुई, ये गलत इसलिए है क्योंकि 1905 में हुई। जो तीसरा है 1915 में हितवाद का प्रकाशन किया गया, वो गलत इसलिए है क्योंकि 1911 में किया गया। ठीक है, नागपुर से 1911 से हितवाद का पब्लिकेशन हो, 1915 से नहीं। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चन ही क्वेश्चन तो आप बना लेंगे क्योंकि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले वेरी प्रिडिक्टेबल, बट बाकी की चीज़ें क्यों गलत हैं वहाँ से क्वेश्चन अगर आ गया तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा इस पर डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? तो बाकी चीज़ों को भी ध्यान रखें। पुणे में बनी थी, हितवाद पब्लिकेशन का नाम था, 1911 से नागपुर से स्टार्ट हुआ था। ठीक, दैट इज इट, आंसर विल बी बी, ये इकलौता करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सब इनकरेक्ट हैं। ठीक, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मॉडर्न हिस्ट्री एफटीआर सेशन, क्वेश्चन नंबर 12। सबका क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, AITUC जो है इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन है? लाला लाजपत राय, दीवान चमनलाल, MN राय और शौकत उस्मानी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC से ये क्वेश्चन लिया गया और पूछा है फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। इसका आंसर होगा ए, लाला लाजपत राय। देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इसकी स्थापना सन 1920 में हुई और इसके पहले अध्यक्ष जैसे कि हमने आंसर लिया लाला लाजपत राय थे। और इसके पहले जो सेक्रेटरी थे यानी जो सचिव थे वो दीवान चमनलाल थे। ठीक है, तो देखिए ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है एक कह सकते हैं तकरीबन एक बहुत ही बड़ा प्रेशर ग्रुप है इंडिया का ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड तो नहीं है,
इवन कम्युनिस्ट से भी नहीं है, लेकिन सीपीआई और सीपीआईएम के बाद आप ऐसे तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप बोल सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी। तीसरी अगर सबसे बड़ी कोई कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीआई सीपीएम के बाद तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। 2002 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एक आंकड़ा जारी किया था जिसके हिसाब से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो कुल सदस्यता है वो करीब करीब 2.5 लाख है, 2,60,000 के करीब करीब इसकी पूरी सदस्यता है। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1920 में बॉम्बे में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष जो है वो लाला लाजपत राय बनाए गए थे AITUC के। ठीक है, तो उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। और चमनलाल सेक्रेटरी थे इसलिए आंसर नहीं है, MN रॉय और शौकत उस्मानी भी नहीं, प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन बट थोड़े से डार्कर पार्ट से। Is that clear? So that is it with today's session of History FTR with 12 important questions of modern history. Let us now meet tomorrow at 8 AM most probably. थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, मैं जान रहा हूँ डिले हो जा रहा है वीडियोज़ अपलोड करने में, लेकिन कोशिश रहेगी कि हम 8 बजे वीडियोज अपलोड कर दें विद फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इंडियन हिस्ट्री। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।